हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। ये आपको कहाँ मिलेगी, कैसे अपडेट करेंगे और एक्चुअल में ये ऐप क्या काम करती है, सब आपको आगे बताऊंगा। इस ऐप का नाम है ऑटो ब्लॉकर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हुआ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल के ऑटो ब्लॉकर की ऐप के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में माय अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये नया अपडेट अवेलेबल है। अगर आपको उसके बाद यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्लॉकर करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ थ्री डॉट्स पर जाओ, अबाउट में जाएंगे तो आपको नया अपडेट मिल जाएगा और अपडेट पर क्लिक करते ही वो आपको वापस गैलेक्सी स्टोर पर ही ले जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको इसको अपडेट कर लेना है। अब अपडेट करने की बात करेंगे, इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है और कौन सा वर्जन नंबर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 4 मार्च को, मतलब कि 2 दिन पहले इसको रोल आउट किया गया है। इसका वर्जन नंबर है 1.00.02.0, जिसका साइज है 4.68 MB का। अब ये ऐप काम क्या करती है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो इस ऐप का काम है सेफ स्टे सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको ये बचाती है, सिक्योरिटी आपको देती है और ये 6.0 के हायर वर्जन पर ही काम करता है। अब बात करें ये कैसे आपको बचाती है, अननोन ऐप से बचाती है और मालवेयर से बचाती है, ब्लॉकिंग कमांड्स जो भी आप कर सकते हैं। अब ओवरऑल नॉर्मल सा मैं आपको बताऊं कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए वापस मैं आपको ले जा रहा हूँ सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर ले जाने के बाद वापस ले जा रहा हूँ मैं आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर, एंड देन वहाँ पर आपको ले आया ऑटो ब्लॉकर में। ऑटो ब्लॉकर में देखेंगे अब ये आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट अपडेट्स पर आ गया है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से ऑन। जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब बात करेंगे क्या कैसे करता है, जैसे यहाँ पर लिखा ऑटो ब्लॉकर कीप योर फोन सेफ बाय ब्लॉकिंग थ्रेड्स अदर सस्पिशियस एक्टिविटीज़, ब्लॉक ऐप फ्रॉम अनऑथराइज सोर्स। तो यहाँ पर क्या करेगा, अनऑथराइज सोर्स से अगर आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होंगी। तो ये पता चला, जैसे आपने देखा होगा कभी कभार आप जैसे ब्राउजिंग करते हो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाती है, तो वो सब नहीं होगा। और जो भी कोई वायरस वाली ऐप होगी तो वो तो होगी नहीं, ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा। इसके बारे में और पढ़ेंगे तो यहाँ लर्न मोर पर जाएंगे तो आपको वो पढ़ के बता देगा। उसके बाद बात करें टर्न ऑन ऐप सिक्योरिटी चेक्स, तो ये रेगुलर जितनी भी आपके मोबाइल में ऐप चल रही है ना इंस्टॉल दें, सबको रेगुलर चेक करेगा और जो भी कुछ उसमें लगता है कि कुछ सस्पिशियस है तो वो आपको होम कर देगा, आपको बता देगा और टर्न ऑन करते ही वो चेक करेगा और आपको वहाँ पर वॉर्न कर देगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट एक और चीज़, ब्लॉक कमांड बाय USB केबल। अब क्या रहता है कि हम कभी भी कहीं भी किसी के कंप्यूटर पर या कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या काम करेगा, या कोई USB अगर आपके मोबाइल पे भी कनेक्ट करता है या पेन ड्राइव भी कनेक्ट करता है तो उसके थ्रू कोई कमांड आपके मोबाइल पे डाल नहीं सकता, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा ताकि USB के थ्रू कोई भी कमांड आपके मोबाइल में रन ना हो। जैसे होता ना USB के थ्रू कोई वायरस डाल देता है या कुछ हैकिंग वाली कुछ चीज़ डाल देता है या कुछ आपको ट्रैक करने के लिए डाल देता है, वो सब कुछ नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन सबको इनेबल करने के लिए आपको ये 2 ऑप्शन को इनेबल करना होगा, मैसेज ऐप प्रोटेक्शन, ब्लॉक इमेजेस सस्पेक्टेड और कंटेनिंग मालवेयर एंड मैसिंग ऐप। तो यहाँ पर क्या होगा, मैसेज ऐप प्रोटेक्शन को ऑन कर दूंगा तो जो भी सस्पेसिव इमेजेस होंगी या सस्पेसिव कुछ भी मैसेज से रिलेटेड होगा तो ऑटोमेटिक वो उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक सॉफ्टवेयर अपडेट बाय USB केबल, तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाएगा USB केबल के थ्रू। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक करने का मेन चीज़ ये है कि इस ऐप से यूज़ करने से आप काफ़ी ज़्यादा अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं और इसको अपडेट करने से और भी लेटेस्ट मालवेयर से आपको ये सेव करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।